दोस्तों हमारा कोई टूल ऐसा हो जो रनिंग में हो और उसमें एलन बोल्ट टूट जाए। कहने का मतलब यह कोई डाई प्लेट हो, कोई आपका टूल ऐसा हो जो पावर प्लेट से चल रहा हो या चलने वाला हो या चल के निकला हो, या गलती से भी ऐसा हो जाए कि आपका एलन बोल्ट डाई प्लेट के अंदर टूट जाए, डाई प्लेट के अंदर टूट जाए, तो आप क्या करेंगे? किस तरीके से उस बोल्ट को बाहर निकालेंगे? किस तरीके से अपना काम चलाएंगे? क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, सोच के देखिए एक बार। ठहरिए ठहरिए, मेरी टूल रूम, प्यारी टूल रूम फैमिली, टेंशन लेने का नहीं है। अपने पास जो भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ ना, मैं ज़्यादा टेंशन मत लो कि यार क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर आपके डाई प्लेट में कोई भी एलेंकी बोल्ट टूट जाता है तो उस एलेंकी बोल्ट को आप किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, किस तरीके से निकालें, किस तरीके से आप दूसरे थ्रेडिंग कर सकते हैं, या ज़्यादा अंदर टूट गया तब क्या करेंगे, ऊपर है तो क्या करेंगे, जो भी एक्स वाई जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें बस। किस तरीके से, कौन कौन से स्टेप हैं, किसको किसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपने सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। देखने के बाद अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इतना तो कर सकते हैं आप अपने छोटे भाई के लिए। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी डाई प्लेट है, उस डाई प्लेट में मेरे एलन बोल्ट टूटे हैं, एक नहीं दो टूटे हुए, दो टूटे हुए। आप सोचिए अगर मैं उस डाई प्लेट को ऐसे चलने देता हूँ तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि वो डाई प्लेट खिसक जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, डाई बोल्ट की वजह से मतलब हमारी प्लेट ऊपर आ जाए, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है जिसमें कि डाई प्लेट भी टूट सकती है, पंच भी टूट सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब चलिए इस बोल्ट को निकालते हैं। जो मेरे दो बोल्ट टूटे हुए हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए, दो एलेंगे बोल्ट टूटे हुए हैं। तो चलिए निकालते हैं, निकाल के देखेंगे किस किस तरीके से निकलेंगे, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब 100% आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये नहीं है कि भाई मैंने आधी अधूरी बात छोड़ के चले जाना इधर से, ऐसा नहीं है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है हमारी, सबसे सिंपल सा काम स्टार्टिंग में, सबसे सिंपल सा हम प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला काम हमें करेंगे, एक सेंटर पंच लेंगे, ठीक है, एक सेंटर पंच लेंगे और सेंटर पंच से हम हल्की हल्की चोट से उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, उस पर किनारे किनारे पर चोट मारेंगे ताकि वो घूमे और घूम के निकल जाए। धीरे 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 करके आप चोट मारते रहेंगे तो देखेंगे कि आपका बोल्ट अगर कम अंदर तक गया, मतलब ऊपर है, तो आराम से निकल जाता है। अगर लूज है तो आराम से निकल जाता है। हल्की हल्की चोट मार के आप देख लेंगे तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। 100% चांसेस ऐसा हो जाता है कि निकल जाए, लेकिन 10% ऐसा भी हो सकता है कि शायद ना निकले। तो चलिए देखिए, मैंने आपको आपके सामने एक बोल्ट को निकाल के दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, हमने सेंटर पंच से धीरे 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 करके उसको घुमाया और एक घूम के निकल गया। चलिए ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी, सॉल्व हो चुकी है। क्या हुआ, आप जाने वाले हो? भाई मत जाओ, अगर चले गए तो आधी अधूरी जानकारी लेकर क्यों जा रहे हो, ये तो आप भी जानते थे। चलिए सेकंड स्टेप के ऊपर चलते हैं। भाई सेकंड स्टेप क्या है? अब चलिए हमें जो दूसरा वाला हमारा बोल्ट टूटा हुआ जो आप बगल में देख रहे हो, इसको कैसे निकालेंगे? भाई हमारा ये तो ऊपर था, ये तो हमने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई, लेकिन जो हमारे बगल में है वो देख सकते हैं कितना अंदर है, काफ़ी अंदर है ना, इसको कैसे निकालेंगे भाई? अब आया ना दिमाग लगाने वाली बात, चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो सकता शायद लूज हो और सेंटर पंच से ही निकल जाए। तो चलिए ट्राई करने में क्या जाता है, तो अब आप देख लीजिए हमने इसको ट्राई भी कर लिया, ठीक है, हम यहाँ पर चोट मार रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, क्योंकि अंदर तक चोट लग नहीं रही है, पहली चीज़। दूसरी बात, काफ़ी अंदर है वो, काफ़ी अंदर है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जो सेकंड ऑप्शन आता है, आप इसको वेल्डिंग करवा सकते हैं। वेल्डिंग करवाइए, बिग वेल्डिंग करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिग वेल्डिंग करवा के खोलेंगे। अब बिग वेल्डिंग मतलब आप क्या सोच रहे होंगे, यार बिग वेल्डिंग कैसे करवाना? भाई बिग वेल्डिंग में करवाने के लिए आपने सिंपल सा एक नट लेना है, एक नट लेना है, नट के अंदर वेल्डिंग करवाना है, और इस बात का पूरा पूरा ख्याल ध्यान दिमाग लगा के करना है आपने काम, कि जो वो नट लगाएंगे आप, वो नट ना आपके होल से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि होल का आपने नट क्या किया, बड़ा ले लिया, और जो वेल्डिंग करवा रहे हो वो वेल्डिंग जाके अंदर आपके थ्रेडिंग को पकड़ ले। अगर होल को पकड़ लेगा वो तो आप खुलेगा कहाँ से, और खुल भी जाएगा तो होल के अंदर तो आपके मतलब वेल्डिंग आ जाएगी ना, तो ये तो गलत हो गया। तो खुलोगे कैसे आप उसको? नहीं खोल पाओगे, और खोलने के बाद भी बाय द वे खुल भी जाता गलती से भी, ऐसा हो भी जाए 1% तो भी आपका होल बेकार हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको सिर्फ जो नट लगाना है वो नट थोड़ा सा छोटा रखना है होल से भी। जैसे मान लीजिए आपका 8 का होल है तो आप 6 का नट लगाइए, उसमें वेल्डिंग करिए ताकि अंदर ही अंदर वेल्डिंग रह जाए, सिर्फ बोल्ट पे ही रहे, जो अंदर टूटा हुआ बोल्ट है सिर्फ उस पे वेल्डिंग रहे।
तो इसको आराम से वेल्डिंग करवाइए। वेल्डिंग करवाने में हल्की हल्की चोट मारिए। चोट मारने से क्या होता है कि कई बार बोल्ट हल्का फुल्का लूज हो जाता है। हल्का फुल्का लूज हो जाने की वजह से वो घूमने में आसानी हो जाती है, ठीक है। हल्का फुल्का घूमने में आसानी हो जाती है। ऑयल है आपके पास, ऑयल डाल दीजिए, मतलब मोबाइल डाल दीजिए। उससे क्या होता है कई बार अंदर तक वो मोबाइल चला जाता है, तो उससे भी कुछ मतलब इसमें फ्रेशनेस आ जाती है, मतलब हल्का सा वो स्लिप करने लग जाता है, मूव होने लग जाता है। ये सब चांसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब सेकेंड स्टेप में करीब 75% चांस होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 75% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वेल्डिंग करके इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, अब कह रहे हो भैया बस कहानी ख़त्म, मैं जा रहा हूँ। भाई मैंने 75% का नाम लिया, 100% का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। तो अभी एक स्टेप बाकी है ना मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो आप? इतना कर दीजिए, तब तक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, इतना तो करिए ना फटाफट। चलिए लास्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ, जो मेरे माइंड में था मैं वो भी क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद एक पॉइंट और है जो हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलिए थर्ड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, फिर भी हो सकता है कि कुछ परसेंट चांस है ना भी हुआ हो। शायद हो सकता है कि नट आपका काम ना कर रहा हो, नट टूट जाता हो, बार बार आप वेल्डिंग करवा रहे हो टूट जा रहा है। क्यों टूट जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर पकड़ नहीं बन पा रही, क्योंकि वो जो आपका बोल्ट टूटा वो काफ़ी नीचे है। तो चलिए लास्ट स्टेप ये बनता है कि आप इसके अंदर ड्रिल लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर ड्रिल लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ड्रिल लगाएंगे आप जब भी, इसकी स्पीड जो आपके ड्रिल मशीन की स्पीड काफ़ी कम रखेंगे। कोशिश करेंगे एक सेंटर पंच हल्का सा बीच में मारने की, ताकि उसका जो सेंटर पॉइंट है हल्का सा सेंटर पॉइंट बन जाए, और बिल्कुल स्लो मोशन है, बिल्कुल स्लो, मतलब आपकी ड्रिल मशीन हो या M1TR पे मार रहे हैं तो स्लो मोशन में बिल्कुल स्लो करके ही आप ड्रिल लगाएंगे। क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे नहीं जी हम तो स्पीड करते हैं फटाफट कट जाएगा, भाई गलत फहमी होती है। उसको काटने का आपने मौका ही नहीं दिया, आपने स्पीड में उसको चलाया तो आपका ड्रिल जलेगा, काटेगा नहीं। उसको काटने का आपने उसको मौका ही नहीं दिया, क्योंकि नीचे आप देखते हैं बोल्ट भी आपका हार्ड होता है, तो भाई कैसे काटेंगे आप? लेकिन इतना भी हार्ड नहीं तो ना कटे, ड्रिल में धार अच्छे से लगाइए पहला काम। दूसरा काम, स्लो मोशन में चलाइए, धीरे धीरे कर काटिए, आपका बोल्ट कट जाएगा। और एक रिकमेंड और अपनी तरफ से करूँगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 8, 8.5 का ड्रिल लगाया, 8.5 ड्रिल लगा के आपने M10 की टेपिंग कर दी, तो पहले उसमें ड्रिल पतला मारिए, 5 या 6 तक का मारिए, ठीक है। ध्यान रखिए 5 या 6 तक का ही ड्रिल मारिए, ये नहीं आपने डायरेक्ट 8.5 का मार देना है, ऐसा नहीं करना है आपने। ऐसा क्यों नहीं करना है? देखिए सबसे पहले आपने 5-6 का जब ड्रिल मारेंगे तो उस पर लोड कम पड़ेगा, वो काट देगा, काट देगा पहली चीज। उसी समय चांसेस कम से कम बता रहा हूँ मैं, 95% चांस होता है कि उसी समय जो आपका बोल्ट जो टूटा हुआ है वो ना ड्रिल के साथ ही घूम के ऊपर निकल जाता है। कई बार आप देखेंगे ड्रिल के साथ साथ घूमते घूमते ऊपर निकल जाता है। चलिए मान लीजिए 95 मैंने बोला, अभी 5% बाकी रह गया, हो सकता ना भी निकले, कोई बात नहीं है। आपने पतला ड्रिल लगाया धीरे धीरे करके, आपने ड्रिल मार लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रिल मार लीजिए, कहानी खत्म। अब आ जाता है कि भाई अब हमें थ्रेडिंग में जो भी हमारी रह गई अंदर उसको क्या करना है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आपके पास 8.2 का या 8.5 का ड्रिल अब आप लगा लीजिए। इसमें क्या होगा, अब आप जो ड्रिल है वो लोड भी नहीं पड़ेगा और वो काट देगा, ठीक है। सब कुछ मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कोई टेंशन मत लेना, ये मत कह देना कि नहीं यार आपने कहने वाले, कहते हैं ना कहने वालों के, तो कह सकते हैं यार, करना और कहने बहुत फर्क है, लेकिन हम करते पहले हैं कहते बाद में, जो आपको पता ही होगा। इस चैनल पे आप आने के बाद भरोसे विश्वास पे आते हैं। जो आपने सिर्फ बड़ा ड्रिल लगा लेना है 8.5 का या 8.2 का, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे कर काटेंगे, आपका वो ड्रिल कट जाएगा, ठीक है। मतलब आपका वो बोल्ट कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बोल्ट कट जाएगा, ठीक है। अब बोल्ट कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब आपका साइज बन चुका टेपिंग का। अब दिक्कत एक यहाँ पर और आएगी। अब क्या दिक्कत आएगी भाई? दिक्कत ये आएगी, जो आपने बोल्ट उसके अंदर रह गया, जो उसके अंदर जो चूड़ी थी, क्योंकि आपने होल तो साफ कर दिया, उसके अंदर थ्रेडिंग थी, वो थ्रेडिंग उसके अंदर पहले से घुसी हुई है, जो प्लेट के अंदर पहले चूड़ी कटी हुई है, जो आपके बोल्ट के थ्रेडिंग थी वो भी उसके अंदर घुसी हुई है। अब भाई टेप कैसे घुमाएंगे? तो कई बार चांसेस ऐसा बन जाता है कि ड्रिल लगाते समय जब फाइनल ड्रिल लगा लेते हैं आप, जैसे कि आपने कम का ड्रिल लगाया जब भी साफ होने के चांस होते हैं, जब आपने फाइनल ड्रिल लगाया जब भी चांस होते हैं साफ होने के, सिर्फ 1% ऐसा होता है कि शायद ना चांस रहे। तो उस कंडीशन में आपने सिर्फ इतना ही करना है, हल्के हल्के हाथों से टेप को घुमाना है, तो देखेंगे ना आपका जो होल है, जो कचड़ा है वो साफ हो जाएगा और आराम से आप टेप को घुमा लेंगे। टेप घुमाने के बाद मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ, सारे होल देखिए हमारे बिल्कुल क्लीन हो रखे हैं, सब में हमारी थ्रेडिंग कटी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। XYZ सब कुछ लाइव मैंने एक्सप्लेन किया, कोई भी आपके डाउट ना रह जाए इसलिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप में से कोई और सजेशन दे सकता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप मेरे से अच्छा गाइड कर जाएं, कुछ मेरे को भी अच्छी नॉलेज मिल जाए आप लोगों से। आप लोगों के हर कमेंट का तहे दिल से स्वागत है।
मतलब देखिए, हम और आप सिर्फ अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे से नॉलेज को हम बढ़ा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।